हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट मींस जो हमारी सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं जो विबग्योर नाम से आप जानते हैं उसे। ठीक है, तो विबग्योर में ऐसा है क्या? विबग्योर में है आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो ये आपको मैं स्पेक्ट्रा वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो हाईएस्ट वेवलेंथ जिसकी होगी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो कोई भी एक चीज़ याद करे उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और आपकी जो ये रेड है ये मैक्सिमम वेवलेंथ अटेंड करता है। ठीक है, और वॉयलेट है वो मिनिमम करता है। ठीक है, ओके, तो इससे आपको ध्यान रखना है और इसका उल्टा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम डिस्पर्जन टाइम को ख़त्म करते हैं, टाइम को थोड़ा सही में करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें डिस्पर्जन के बारे में जानना है। तो डिस्पर्जन में क्या है, वाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिटिंग होना, मीन्स बिखरना। ठीक है, ये है डिस्पर्जन। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है आप समझ सकते हैं। हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म को ही तो हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। एक प्रिज्म है और एक आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है, उससे भी हम डिस्पर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें देख रहे हैं जैसे ये वाइट लाइट है, जो सनलाइट की वाइट लाइट है वो है, और हमने इसमें दो एक तरह से रिफ्रैक्शन मैंने बताया था, जैसे रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो ये लाइट इस मीडियम में गई, ठीक है, इस मीडियम में गई तो इसके 7 स्प्लिट हो गए, 7 कलर स्प्लिट हो गए। क्यों? क्योंकि मीडियम अलग है तो वेवलेंथ अलग अलग है सबकी, तो कोई ज़्यादा बैंड होगा कोई कम बैंड होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है और वेवलेंथ किसकी कम है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है मीडियम में जाने के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देख रहे हैं जैसे कि ये रेड है और वॉयलेट है, तो ये मैंने बताया जैसे विबग्योर नाम है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा विबग्योर नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ सनलाइट पासिस थ्रू द ग्लास प्रिज्म देन इट स्प्लिट इनटू 7 कलर ड्यू टू द 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये ध्यान रखना है कि आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कितनी टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है, तो 2 टाइम्स में आपको विबग्योर कलर दिख जाएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। अब आया हुआ है ये क्वेश्चन रेनबो। ठीक है, रेनबो में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? ऑप्शन में डालेगा डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो मीन्स 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा और एक बार TIR होगा, ये ध्यान रखना है। एक बार TIR होगा मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आगे डिस्क्राइब करूंगा। अभी समझिए कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स किसी मीडियम में जाने के बाद मीडियम में ही रिफ्लेक्शन होना, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होना, उसको TIR कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रेनबो में क्या रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है, ये खासियत है इसकी। और सेकेंडरी में वॉयलेट कलर ऊपर होगा और रेड कलर सबसे नीचे होगा, और इसमें क्या होता है 2 टाइम TIR होता है और 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एट 12 o'clock नून नो रेनबो इज फॉर्म, ये क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हमारा जो सन है, सन हमारा एकदम ऊपर होता है, ठीक है, जहाँ पर हम हैं वहीं से तो रेनबो दिखेगा,
ठीक है। अब यहाँ से रेनबो क्यों दिखेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तभी तो, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ से लाइट आती है और अर्थ के एटमोसफेयर में ये जाती है, तो रिफ्लेक्शन होगा कब, रिफ्लेक्शन जब ही होगा जब ये कोई एंगल बना के आएगी। अगर रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगा ही नहीं नॉर्मल के साथ, तो ये रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं और ये लाइट सीधा चली जाएगी अंदर और फिर सीधा अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस चली आएगी। तो ना ही रिफ्लेक्शन वो क्या है, ना ही डिस्पर्जन हुआ और ना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं, तो हमें रेनबो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो 12 ऑफ नून के टू नून में आपको रेनबो कभी नहीं दिखता है, ये ध्यान रखना है, नो रेनबो इज फॉर्म। नेक्स्ट है TIR, मैंने बोला जैसे TIR होता क्या है, देखिए TIR दो वर्ड हमें ध्यान रखना है इसमें, क्रिटिकल एंगल एंड इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, कोई भी रे जब पास करती है किसी मीडियम से तो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक रे आई, ये वाला तो ग्लास के अंदर का रिफ्लेक्शन है, अब ये ग्लास के अंदर का दूसरा वाला रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट एंगल बन रहा है, तो अगर लाइट आकर के और ये ग्लास के एकदम जस्ट साथ साथ चली जाती है, तो जो ये इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल व्हेन नो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज हैपन, ठीक है, ना ही रिफ्लेक्शन हो और ना ही रिफ्रैक्शन हो, तो उस केस में इंसिडेंट एंगल कौन सा एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल, ये ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट, है नेक्स्ट आपके इसके यूजेस आते हैं, तो फॉर TIR रेज ऑफ द रेज शुड बी पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये ध्यान रखना है। TIR के लिए किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना बहुत ज़रूरी है, रेयरर से डेंसर नहीं, क्वेश्चन आता है इस पे कि डेंसर से रेयरर जाने में TIR होता है या नहीं होता है, तो विच केस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर TIR, लाइट कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। नेक्स्ट है इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है TIR के, शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर, डायमंड हमें क्यों चमकता दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर TIR होता रहता है। फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फंक्शन ऑफ एंडोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप भी इसी में आता है, ठीक है, उसका भी TIR ही फंक्शन करता है। मिराज फॉर्मेशन, जब गर्मी के दिनों में हमें कलर्स का डिफ्रेक्शन क्यों दिखाई देता है, मिराज फॉर्मेशन होता है इसलिए समर सीजन में, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूँगा, तो इसके लिए अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊँगा। तो अभी के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू।